Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में भेजने की मंजूरी दे दी है। इसके हवाले से तफसीलात लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। जी शौकत पराचा, अपडेट कीजिएगा। आज अहम इजलास था नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, और इस इजलास में लाहौर नैब और रावलपिंडी नैब की तरफ से रिपोर्ट सामने लाई गई। सुप्रीम कोर्ट की 28 जुलाई की ऑर्डर के मुताबिक इन रेफरेंसेस की आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग ने मंजूरी दे दी है, और ये रेफरेंसेस आप कल या इंतजाम अदालत में दायर कर दिए जाएंगे। बुनियादी तौर पर पांच जो मेंबर हैं नवाज शरीफ फैमिली के, उनके खिलाफ और वजीर खजाना इसालदार के खिलाफ रेफरेंसेज दायर करने की मंजूरी दी गई है, जो कि इवन फील्ड प्रॉपर्टी इन मेटल और फ्लैगशिप कंपनीज के हवाले से हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद का जो मरहला था नैब के अंदर रेफरेंसेज फाइल करने का, 6 हफ्ते की डेडलाइन थी, वो 6 हफ्ते की डेडलाइन कल खत्म हो रही है, तो उस डेडलाइन को नैब ने मीटअप किया है और अब ये रेफरेंसेज मंजूर कर लिए गए हैं। ठीक शौकत पर आजा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आसमा शेराजी साहिबा भी। आसमा साहिबा, जानना चाहेंगे नैब का शरीफ खानदान के खिलाफ हम देख रहे हैं घेरा मजीद तंग होता जा रहा है, और नैब लाहौर के भेजे गए तमाम रेफरेंसेस भी मंजूर कर लिए गए हैं, अब क्या होता नजर आ रहा है आगे? जी बिल्कुल, ये तीन इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज हैं जो कि मियाँ साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ हैं, किसाकदार साहब के खिलाफ है, फैमिली में तीनों उनके बच्चे हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस है, इवन फील्ड्स के भी, उदयबिया पेपर मिल्स, और 11 कंपनियां अलग है जिनका एक रेफरेंस, एक ही रेफरेंस है उन 11 कंपनियों के हवाले से। सो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये होना था क्योंकि डेडलाइन खत्म हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन रेफरेंसेज में जाना था। अलबत्ता आपको याद होगा कि ECL पे नाम डालने के हवाले से जो लाहौर नैब ने दरख्वास्त की थी नैब को, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी, और अब आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसको फैसला किया है। अब इसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें तो नेचुरली अब लीगल जो कंसल्टेशन है वो होगी, और उसमें ये कहा जाता है और कहा गया है अब तक के मियाँ साहब और उनकी फैमिली को जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो उनको करवानी पड़ेगी ताकि उनको अरेस्ट ना किया जा सके, और अदरवाइज नैब उनको अरेस्ट कर सकती है। अभी तक नैब के अंदर कोई गिरफ्तारियों के हवाले से कोई हिलजुल नहीं है और ना ही कोई इस तरह की इत्तला मिल रही है। कल नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब वापस आएंगे और इलेक्शन भी 17 सितंबर को हो रहा है, तो अब उनके आने पे, और आपको आपको ये याद होगा कि 3 दिन पहले अचानक मियाँ शहबाज शरीफ जो थे वो भी बाहर गए थे, लंदन गए थे, उनका जाना वहां पे, और जाहिर है कि ये फ्यूचर जो स्ट्रेटजी होगी शरीफ खानदान की वो बनती दिखाई देती है कि आया उनको क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से करना है। और नैब के रेफरेंसेस के बाद तो इमीडिएटली आपको पता है जो कार्रवाई होती है, जो आम लोगों के साथ कार्रवाई होती है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन इस मामले के अंदर गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, छापे पड़ेंगे या कुछ और हो, या खुद मियाँ साहब जो है वो खुद को पेश कर देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी आने वाले दिनों में। पोलिटिकली भी आप देखें तो इसाकदार साहब के खिलाफ जो केस है वो भी काफी अहम है, जिसमें कि उनके असासे, उनके उनके कमाई या उनकी जो आमदन है उससे कहीं ज्यादा जो दिखाए गए हैं उसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं, और नैब ने इसके ऊपर जो है वो अहम कार्रवाई करनी है कि वो उसको भी सबूत देने हैं, और उदयबिया पेपर मिल जिसमें ऑलरेडी इसाकदार की ही गवाही है जिसकी बुनियाद के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन गई थी, तो ये काफी दिलचस्प भी है और शरीफ खानदान के लिए परेशान कुन भी डेवलपमेंट इसके अंदर हो सकती है। जाहिर है कि जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, पॉलिटिकली शरीफ खानदान इसको अवॉइड अभी करता दिखाई नहीं दे रहा, वो ये चारे होंगे या जिस तरह से सूरत हाल बनती है कि पॉलिटिकली इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, और जिनका केस आवाम के पास है उसके अंदर जाहिर है कि सिंपथीज के लिए जो है वो बात की जाए, काम किया जाए। सही शौकत पर अच्छा आपसे जानना चाहेंगे, शरीफ खानदान का इल्जाम का दफा नहीं कर सके हैं ऐसा कहना है नैब का, और ये भी बताइएगा कि नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट पर भी गौर शुरू हो गया है, नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट के हवाले से अपडेट कीजिएगा, और इस हवाले से भी बताइएगा कि अब नैब ने भी ये बात कह दी है कि वो भी बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है शरीफ खानदान के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे उसका दिफा जिस तरीके से शरीफ खानदान की जानिब से किया गया है। रिपोर्ट भी अप्रूव हो गई है और उनकी तरफ से भेजे गए रेफरेंसेस भी मंजूर कर दिए गए हैं, अब तो नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी खत्म हो चुका है। दूसरी बात पेश न होने वाली है, अब मामला चला गया एहतसाब कोर्ट में,
एहतसाब अदालत में, और जो एहतसाब अदालत के जज होते हैं वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ही तैनात करती है, तो उसको भी एक जुडिशल फोरम ही तसव्वुर किया जाए। अब सारा डिपेंड कर रहा है अदालत के ऑर्डर पर। सुप्रीम कोर्ट के एक जज इस पूरे अदालती प्रोसेस की भी मॉनिटरिंग करेंगे, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल होना है। ये दिलचस्प बात है, जैसे आसमा साहिबा कह रही थी कि अगर नवाज शरीफ और उसके खानदान के अफराद को गिरफ्तार किया जाता है तो पॉलिटिकली पाकिस्तान के जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप, उस पर खासे गहरे असरात मुरतब होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक सिंपली जैसे डॉक्टर आसिम हुसैन को पकड़ लिया रगड़ा लगाया, और फला फला को पकड़ लिया उनको रगड़ा लगाया, या शर्जील मेमन जैसे बाहर से आए अदालत का तरफ से उनकी गिरफ्तारी का ना गिरफ्तार करना आते ही वो हुक्म भी था, बट उनको भी आपने देखा कि एफआईए वाले इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उठा के ले गए थे। तो अब ये सारी चीजें कंपैरिजन में भी देखी जाएंगी कि फलां के साथ क्या सलूक हुआ था और फलां के साथ क्या सलूक।